पहले खुद के जीवन को कभी कभी देखे आप कहां से निकल कर आए हैं। अब भी तो वही हालात में फंसे हुए थे, वही प्रॉब्लम में, लेकिन आज दूसरों के प्रॉब्लम में है तो हमें लगता है ये कभी बदल नहीं पाएगा, ये कभी सुधरेगा नहीं। हमने मौका नहीं दिया, कभी मौका नहीं, दिल से प्रेम नहीं दिखाया उनको कभी। हम दूसरों के साथ प्रेम दिखाएंगे बाहर जाके, अपने फैमिली मेंबर के साथ नहीं। अपने फैमिली मेंबर के साथ प्रेम नहीं होता है, वो तो प्रेम हम बाहर दिखाते हैं। घर का कोई मेंबर बीमार है तो हमसे कुछ नहीं हो सकता, अगर बाहर कोई बीमार है हम भाग के जाएंगे। लेकिन कोई देह है परमेश्वर की, जो मैंने बहुत बार बताया, आप सब परमेश्वर का मंदिर हो, आप सब, एक भी ऐसा नहीं है जो प्रभु का मंदिर नहीं, तब भी हमें मंदिर की कदर है क्या? हालेलुया। इसीलिए हमारी हमारी आशीष इसीलिए रुक जाती है कि हम प्रभु की देह नहीं बन पाते। देह का असली काम है, अगर एक को प्रॉब्लम है तो दर्द आपको भी, क्योंकि आपकी उंगली के ऊपर अगर चोट लगती है तो पूरी देह को पता चलता है, पूरी बॉडी को पता चलता है कि साथ में कुछ हो गया, इस पैर में कुछ हो गया, इस आंख में, इस चेहरे पे, आपके पेट में कुछ हो गया, ये पूरी देह को पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर की जो देह है वो बेकार हो रही है, उसका कोई महत्व नहीं। इसीलिए तो प्रभु ने बोला है कि बहुत कम है जो स्वर्ग में जाएंगे, बहुत कम। चर्च में तो प्रभु ने बोला लाखों की भीड़ होगी, बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए बहुत ही कम है। अपने पास वाले को आप बताएं, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। आप बताओ, आप चुने हुए में से होने चाहिए। पंजाबी दसो, तुसी चुनिया च होने चाहिए, सद्या विचों नहीं, असं अज सद्या विचों बने हुए, असं हम भी बुलाए हुए से बन के बैठ जाते हैं, हम चुने हुए हमसे। और चुना हुआ वो होता है जिसकी पहचान दुनिया में सबसे अलग दिखाई दे, दूर से देख के किसी को पता चले ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु की बेटी है, दूर से देख। हालेलुया। आइए हम लास्ट वचन को पढ़ेंगे कि आपकी आशीष किस चीज के साथ जुड़ी है। और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। आप पढ़िए यशाया उसका 58, उसका 13 और 14 वचन। यशाया 55 दे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, यदि तू उस पवित्र दिन को अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, मतलब कोई प्लान ना बनाए। आज प्रभु का दिन है, आज आपके प्लान फेल होने चाहिए लेकिन हम अपने प्लान करते हैं। और विश्राम दिन को आनंद का दिन, हाँ, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, कौन सा दिन? आनंद का दिन, आज आनंद का दिन है, आज तो आनंद करना है प्रभु के साथ। हाँ जी, और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन, और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन, समझ कर माने यदि तुम उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। आमीन। याद रखिए, परमेश्वर ने सातवें दिन को क्या दिया था, आपको पता है क्या दिया था? आशीष दिया था। आपकी आशीष है वो सब्बत के साथ जुड़ी हुई, सब्बत के साथ आपकी आशीष को जोड़ दिया गया। आज हम आशीष क्यों नहीं होते, क्योंकि सब्बत दिन को हम याद नहीं रखते, सब्बत को तोड़ देते हैं,
आज बहुत से लोग हैं, अभी भी लोग बोलेंगे अब गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, हमें थोड़ा काम पड़ गया, घर पे कोई बीमार है, कोई झगड़ा कर दिया, कोई कुछ कर दिया, वो संडे को आएंगे। तो आपकी आशीष तो रुक गई ना, आपने खुद रोक दी, मैंने थोड़ी रोकी, किसने रोक दी, खुद रोक दिया उस चीज को, खुद रोक दिया आपने उस चीज को। हम अपनी आशीष को खुद रोक देते हैं। सब्बत के दिन को पवित्र जानना है, ये पवित्र दिन है, ये परमेश्वर के लिए ठहराया हुआ दिन है, उसी दिन को हम तोड़ देते हैं, उसी दिन को तोड़ देते हैं। कैसे परमेश्वर आशीष करेगा, कैसे? आपने अपने आशीष को तो खुद ही रोक दिया। संडे के दिन परमेश्वर ने बोला अब तुम कुछ भी मत करो, सीधा मेरे पास आओ। प्रभु आपसे जब बात करना चाहता है उसी समय हमें बहुत से काम होते हैं, उसी समय इधर उधर की बातें होती हैं। अब याद रखें परमेश्वर की बहुत सी आज्ञा, फिर से हम कभी देखेंगे कि परमेश्वर ने और क्या क्या चीजों को आपस में जोड़ा। याद रखें बाइबल में लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई भी मनुष्य अलग ना करे। ये परमेश्वर ने आपकी आशीष सब्बत के दिन को जोड़ दिया तो जुड़ी, मसीह कलीसिया के साथ जुड़ा है तो जुड़ा, आपका विश्वास आपके पक्ष में के साथ जुड़ा है तो जुड़ा, उसे अलग ना करें। जब आप अलग करते हैं तो परमेश्वर इस बातों से निराश होता है, आप परमेश्वर को क्रोध दिलाते, क्रोध दिलाते परमेश्वर को, और जो लोग परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वो नष्ट हो जाते, वो नष्ट हो जाते। अब हमेशा ये ना करे मैं मर गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। बपतिस्मा लिया है ना, रोज बाइबल पढ़ो, रोज प्रार्थना करो, हर संडे चर्च में आओ, प्रभु की सभी आज्ञाओं को मानो। बीमारी कहां रहेगी आपके बदन में? आइए सब आंखों को बंद रखें, सब और प्रार्थना करो।